ये हजार दफा मना किया है मैंने, कोई घर तो खाली छोड़ दिया कर। ना तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हो कानून नाफजी? शरप, मुझे बातों में उलझा के मुझे पॉइंट से हटाने की कोशिश ना करो। ये बताओ, ये स्वेटर किसके लिए बुन रही हो? डीएसपी साहब के लिए। क्यों? मैं बल्दियाती इंतखाब में वो कांप रहे थे। और मैं जो सर्दी से कांप रहा हूँ उसका तुझे कोई एहसास नहीं है? तुम्हें भी मेरा कोई ख्याल नहीं है, मैं भी मर रही हूँ। किस पे? क्या मतलब? मतलब ये, पिछले सितंबर को तो तुम किसी एसपी पे मर रही थी। अच्छा मजाक मत करो, ये बताओ निकाह कब करोगे? 28 दिसंबर 1988 को। क्यों? उस दिन मैं फारिग हूँ। निकाह ना हो गया, टेलीविजन का 7वां अवार्ड हो गया, साल भर हो गया, ये फरवरी से दिसंबर आ गया, तारीख बदलते बदलते। खबरदार हो जो मुझे अगर तूने टेलीविजन से मिलाया। क्यों ना मिलाऊं? इसलिए कि टेलीविजन का 7वां अवार्ड है और मेरा 8वां नका। अच्छा ये बताओ, मुझे यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया था? वो एक अफगान महाजर की शिकायत करनी थी तुमसे। क्यों, क्या तंग नहीं कर रहा है? देखो मेरे साथ मजाक मत करो, पता है वो 3 मरतबा मुझे अकेला देख के क्या कह चुका है? क्या कह चुका है? छोड़ काबुल का घर, मोहे पी के नजर, तुझे आना पड़े। तुझे देख के छेड़ रहा था? हाँ। नाबीना होगा। नहीं बात सुन, मैं तुझे अंधा नजर आता हूँ। अरे लल्ला ना कहे। तो फिर मैंने कभी तुझे छेड़ा? नहीं बेवकूफ। ये बताओ, ये इधर हम किस चक्कर में आए हैं? तुम मुझे बताओ किस लिए आए हम लोग? ओए ये एक लंबा चक्कर है। कौन सा चक्कर? ये टीवी अवार्ड के चक्कर में हम आए हैं। मैं दिनों, ये टीवी अवार्ड क्या होता है? ओ बेवकूफ, ये एक लंबा चक्कर है। देख, इंसान क्या चीज है? हाँ? इंसान खता का पुतला है। हाँ? ठीक है। और ये जो फनकार बैठे हुए हैं ये कौन है? ये भी इंसान है। हाँ, जी हाँ, इनसे भी खताएं होती हैं। हाँ, सारा साल ये खताएं करते हैं और टेलीविजन वाले इनको साल के आखिर में उन खताओं पे एक पुतला दे देते हैं। ये कहते हैं ये लो, ये पकड़ो, ये है 7वां खता का पुतला। ये जो पड़े हैं ये पुतले, ये सारे पुतले। ओए बात सुनो, हमारी ड्यूटी तो गेट पे लगाई थी, तू इधर अंदर कैसे आ गई? मैं ये पूछ रहा हूँ अंदर कैसे आ गई? चलो खता की पुतली। चलो।